छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के लिए अच्छी पहल करने जा रही है। सरकार अब बांस और सागौन पेड़ों की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देगी। इसमें पूर्ण सब्सिडी यानी कि 100% की सब्सिडी की बात उठी है। यह सब्सिडी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि किसानों को 5 एकड़ भूमि पर 5,000 पौधे लगाने पर 100% की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पेड़ों को लगाने पर 50% की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा भी दी जाएगी। पेड़ों को खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि इस योजना का लाभ निजी संस्थाएं भी ले सकती हैं। किसानों को ये सहायता टिशू कल्चर सागौन, टिशू कल्चर बांस जैसे पौधे पर राशि के द्वारा दी जाएगी। सरकार न केवल इस खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देगी बल्कि जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो इसकी खरीदारी भी शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही की जाएगी। इसे खेती कर रहे किसानों किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लंबे इंतजार में मुनाफा। अगर हम देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो किसानों का पेड़ों के प्रति रुझान बड़ा है। कई जगहों पर किसान फसलों की खेती करने के बजाय पेड़ों की खेती करने की तरफ आकर्षित हुए हैं। इसमें कई पेड़ ऐसे भी हैं जिससे किसान बंपर मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत पड़ती है। वातावरण में भी सहायक। भूपेश सरकार का ये फैसला काफी हद तक किसानों के हितों के अलावा प्रकृति के लिहाज से भी काफी अच्छा माना जा रहा है। बीते दिनों में भी देखा गया है कि खेती करने के लिए सरकार किसानों का मदद करती है। अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पर लगभग आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, पर किसानों की आर्थिक आय बेहतर नहीं है। ऐसे में सरकार किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जानिए किसे मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को 100% सब्सिडी पाने के लिए उनके पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ ग्राम पंचायत और पट्टे पर जमीन में खेती करने वाले किसान भी ले सकते हैं। तहत किसानों को तकरीबन 5,000 पौधों के लिए 1,000% सब्सिडी दी जा रही है। वहीं यदि आप 5 एकड़ से अधिक पर खेती करना चाहते हैं तो आपको राज्य सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाएगी। कैसे करें आवेदन? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय पर जाना होगा। वहां जाकर योजना का फॉर्म भरना होगा। इसके लिए किसान के पास आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खाता खतौनी, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और इस प्रकार की रोचक जानकारियां और स्टेट की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए IBC 24 के सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।